नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने कुछ ऐसे सवालों के जवाब लाया हूँ जिसे सुनकर आपको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा कुछ सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मनों में होता है। इनफैक्ट मुझको भी था, तो उन सारे डॉट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में मैंने बताया है। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। तो हवाई जहाज में पैराशूट को क्यों नहीं लगाते? समुंदर और रेगिस्तान में मिलने वाली रेती से घरों का निर्माण क्यों नहीं करते? असल करंट शॉक लगने के बाद हमारे बॉडी में क्या होता है? कैलकुलेटर में अगर कोई भी बड़े बड़े अंक इस्तेमाल करे जब, ये ई बोलने वाला क्यों दिखता है हमें और इसका मतलब क्या होता है? एप्पल कंपनी प्रोडक्ट्स इतने कॉस्टली क्यों रहते हैं? इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं यह वीडियो। melosports.com गाइस, जैसे हम जानते हैं ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, हाला प्ले जैसे बहुत सारे फैंटेसी वेबसाइट्स है, राइट? ऐसी वेबसाइट बनाने में या सॉफ्टवेयर बनाने में कम से कम 5 से लेकर 6 लाख रुपए तक का खर्चा होता है, लेकिन melosports.com इतना महंगा स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ कम दाम में आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अवर प्रोजेक्ट्स में देखिए, ये सिर्फ आपको बेसिक वर्जन $99 और प्रो वर्जन $399 से प्रोवाइड कर रहा है। तो आप भी जल्दी से इस स्क्रिप्ट को खरीदिए और खुद का फैंटेसी वेबसाइट स्टार्ट कीजिए। हवाई जहाजों के घटना होते समय अंदर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को पैराशूट्स नहीं रहते। उनको पैराशूट दे सकते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं दे रहे? लेकिन यहाँ मिलिट्री एयर जेट्स में या फाइटर एयर जेट्स में पैराशूट्स रहते हैं, लेकिन 100 से भी ज्यादा लोग ट्रैवल करने वाले इन बड़े बड़े एरोप्लेन्स में पैराशूट्स को नहीं लगाते। ऐसा क्यों? इसका समाधान अब हम देखेंगे। इसके बहुत सारे वजह है। हवाई जहाज में ट्रैवल करने वाले हर पैसेंजर को पैराशूट का इस्तेमाल कैसा करना है इसका पता नहीं होता और उसका ट्रेनिंग भी नहीं रहता उनको। पैराशूट का इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं है, उसको यूज करने में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जरूरी होती है। उसी तरह स्काई डाइविंग करते समय पैराशूट को यूज करने वाले पूरी तरह से प्री प्लान में रहते हैं। कैसी वातावरण में डाइव करना है, कितने ऊपर से डाइव करना है, एक दूसरे को कितना गैप देकर कूदना होगा, बोलने की बात पहले से ही वो लोग प्लान करके रहते हैं। लेकिन हवाई जहाज का घटना कब कौन से टाइम में होता ये किसी को पता नहीं रहता। उसी तरह कमर्शियल एयरलाइंस बोलने का एयर डाइव करने के लिए बनाया नहीं गया इसका डिजाइन। एयरक्राफ्ट के अंदर स्काई डाइव जंप करने के लिए उसके पीछे की तरफ रैंप होता है और रैंप के द्वारा स्काई डाइव करते हैं, लेकिन नॉर्मल हवाई जहाज में वो नहीं रहता, तो उनको डोर से जंप करना होगा। ये पॉसिबल नहीं है। अगर डोर से कूदेंगे भी तो लोग एरोप्लेन के फंकों को लग सकते हैं या उसको लगे सो फैंस को लगकर मारे भी जा सकते हैं। उतना ही नहीं, उड़ने वाली एरोप्लेन की डोर खोलना ये बहुत डेंजरस की बात है। हम पहले बात किए जैसा स्काई डाइवर्स एक प्लान से डाइव करते हैं। स्काई डाइवर्स डाइव करते वक्त एयरक्राफ्ट्स जमीन से 15,000 फुट ऊंचाई से ट्रैवल करते रहता है, लेकिन नॉर्मल एरोप्लेन जमीन से 35,000 फुट ऊंचाई से ट्रैवल करते रहते हैं, यानी लगभग डबल से भी ज्यादा। उतनी ऊंचाई में टेम्परेचर बहुत कम मात्रा में होता है। उतना ही नहीं, ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम मात्रा में होता है। इसीलिए उतने ऊंचाई से डाइव करना है तो सिर्फ पैराशूट है तो बस नहीं होता, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, मास्क, हेलमेट, फ्लाइट सूट, ये सब की जरूरत पड़ती है। और उसी तरह एक एक पैराशूट का कॉस्ट बहुत महंगा रहता है। उतना ही नहीं, वो काफी वजन भी रहता है। एक एक पैराशूट का वजन 7 किलो से लेकर 10 किलो तक का होता है। फ्लाइट के अंदर ट्रैवल करने वाले हर पैसेंजर को अगर उतने पैराशूट्स लगाएंगे तो उसका वजन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। वो एक खतरे की घंटी है। कितना ज्यादा वेट है तो उतना ज्यादा पेट्रोल का खर्चा भी होता है और वो सारा खर्च पैसेंजर के ऊपर डालना पड़ेगा। उससे फ्लाइट के टिकट्स के चार्जेस बढ़ाना होगा। उससे पैसेंजर्स को भी मुश्किल पड़ती है, क्योंकि ज्यादा कॉस्टली है तो टिकट्स बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर पाते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लगभग 90% विमान के घटनाएं विमान टेक ऑफ होते समय में या फिर लैंड होते समय में ही होता है। तो वो टेक ऑफ लेते समय या लैंड होते समय जमीन से बहुत कम ऊंचाई में रहता है, तो वहां से अगर पैराशूट लेकर डाइव भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं रहता। इसलिए इतने चीजें रहने के कारण एरोप्लेन्स में ट्रैवल करने वाले हर पैसेंजर को पैराशूट्स की फैसिलिटी नहीं होती। समुंदर के अंदर या रेगिस्तान में है सो रेती को बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए क्यों यूज नहीं करते? लेकिन यह बात यह है कि समुंदर के पास और रेगिस्तान में बहुत मात्रा में रेती हमें मिलता है, पर फिर भी उसे घर के निर्माण के लिए इस्तेमाल नहीं करती। क्यों? ये अभी हम जानेंगे। इसके पीछे भी बहुत सारे वजह है। रेती के अंदर ऐसा जो छोटे छोटे कंकर होते हैं ना,
वो बहुत रफली रहते हैं, तो उससे वो सीमेंट के अंदर ज्वाइन होकर एक दूसरे को मजबूती लाते हैं, और उसी तरह आयरन रॉड्स को भी जकड़ के पकड़ लेते हैं। ये रेती का जो खंकर होता है ना, वो रफ रहने से एक दूसरे में बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है, लेकिन समुन्दर के पास है सो रेती का साइज बहुत छोटे मात्रा में होता है और वो रफ नहीं रहता बल्कि स्मूथ रहता है। ऐसे स्मूथ रहने के कारण वो एक दूसरे से जगड़ते नहीं है और फिसलते रहते हैं। इसीलिए समुन्दर की रेती से बिल्डिंग्स बनाना इम्पॉसिबल है। उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है बोले तो, समुन्दर की रेती में नमक ज्यादा मात्रा में मिक्स होकर रहता है। ये क्लोराइड बोलने का निर्माण में यूज करने वाले स्टील को और आयरन को बहुत जल्दी जंग पकड़े जैसा कर देता है, तो इसीलिए उस रेती को यूज नहीं करते। और उसी तरह रेती को और सीमेंट के बीच का बॉन्डिंग को भी वो तोड़ देता है। समुन्दर के रेती में नमक और माइक्रोस्कोपिक साइज में डेड पार्टिकल्स भी रहते हैं। कोई भी निर्माण करना है तो इन सबको फिल्टर करके उसके बाद उसके अंदर से निकले सो रेती को यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि इस रेती के अंदर से नमक को अलग करना बहुत मुश्किल का काम है, और उतना ही नहीं बहुत खर्चे का काम भी है। चलो मानते हैं कि समुन्दर के रेती से घर भी बन दिए, तो निर्माण करने के बाद क्या होगा बोले तो, अगर बारिश गिरी समझो, वो रेती के अंदर से नमक पानी को अच्छी तरह से सोख लेके दीवार को भीगा करके उसे गिरा देता है। तो बात यह है कि समुन्दर के रेती से अगर बिल्डिंग बनाए तो वो बिल्डिंग 5 साल से ज्यादा देर नहीं टिकता। और उसी तरह रेगिस्तान में मिलने वाली रेती भी उसी तरह रहता है, बहुत छोटा और राउंड शेप में रहने के कारण उसको निर्माण के अंदर यूज किए तो भी कोई फायदा नहीं रहता, वो भी 2-3 साल के अंदर बिल्डिंग गिर सकता है। इसीलिए समुन्दर के पास रेती या रेगिस्तान में है सो रेती को कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। असल करंट शॉक लगने के बाद हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से हमें कितना जरूरत है और उसी तरह उससे बहुत खतरा भी है। हमें शॉक लगने के बाद हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, क्यों हमारी जान चले जाती है बोलने का इस वीडियो में अभी हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने का उसको करंट बोल के बोलते हैं। इस करंट को एम्पियर के मदद से तोलते हैं। एक एम्पियर बोले तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए बोलने का उसका मतलब है। तो बात यह है कि 1 सेकंड को 62,000 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। एक प्रकार से हमारा बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट को अगर हिलाना है तो ब्रेन के अंदर से न्यूरॉन्स से लेके नर्वस के द्वारा उस पार्ट को इलेक्ट्रिक पल्स बोलने के जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर का हर एक पार्ट ब्रेन से कनेक्ट रहता है, वो इलेक्ट्रिक के कारण होता है पास। उस तरह दिमाग से आने वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पल्सेस के मदद से ही हमारा बॉडी काम करने लगता है। हम बात कर सकते हैं, हिल सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं। जब कभी भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तब हमारे बॉडी के अंदर ट्रैवल करने वाले इलेक्ट्रिक पल्सेस से भी पावरफुल करंट हमारे बॉडी के अंदर से ट्रैवल करता है। तब हमारे बॉडी के अंदर है सब पार्टिकल्स उस बाहर से आए करंट को भी रिएक्ट करते हैं। हमारे दिमाग के अंदर से आने वाले इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम पावरफुल होता है, लेकिन बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का पावर ज्यादा रहने के कारण मसल्स नजदीक आ जाते हैं और सांस नियाई जैसा होता है और हमारे सांसें भी रुक जाती है। शॉक लगे जब आने वाली करंट अगर 1 मिली एम्पियर है तो पूरा शरीर को झलक लगता है। अगर वही 20 मिली एम्पियर है तो हमारे लंग्स के नीचे रहने वाले डायफ्राम को ब्लॉक कर देता है, उसके वजह से हम सांस नहीं ले पाते। अगर वो पावर 50 मिली एम्पियर से लेके 100 मिली एम्पियर है तो हमारा दिल धड़कना रुक जाता है। और उसी तरह हमको शॉक लगे सो करंट 1500 मिली एम्पियर से भी ज्यादा है तो हमारा शरीर जब का जब जल के राख हो जाता है। इस तरह हमारे बॉडी को शॉक लगे तो कौन सी मात्रा में है बोलने का हम पहचान सकते हैं। तो ये करंट बोलने का किस तरह हमारा जान लेता है उसी तरह हमारा जान भी बचाता है। कभी कभार अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो उनका दिल धड़कना रुक जाता है, तो उस समय में डिफिब्रिलेटर के मदद से इलेक्ट्रिक कैनल को हमारे हार्ट को टच करते हैं। तब ये इलेक्ट्रिक पल्सेस को रुक गया सो हमारा दिल फिर से काम किए जैसा करता है। जैसे हम हॉस्पिटल में देखते रहते ना जो पेशेंट्स को वो लगाते रहते करंट का कि जान बचाने के लिए वो वाला लगाते रहते हैं, उससे अपना हार्ट काम करने लगता है दोबारा। बहुत इंटरेस्टिंग की बात है ना। हम कैलकुलेटर यूज करते समय कोई भी अगर हम बड़े बड़े नंबर्स को अगर गिने तो बीच में ई बोलने का आता है। वो ई बोलने वाला लेटर का मीनिंग क्या है अब हम देखेंगे। ज्यादा डिजिट्स है तो बड़े बड़े नंबर्स को कैलकुलेटर में डिस्प्ले करना इम्पॉसिबल है क्योंकि प्लेस बस नहीं होता, तो उसको छोटे में दिखाने के लिए ये ई को यूज करते हैं। यहाँ पर ई बोले तो एक्सपोनेंट इसका मतलब है। ये ई बोलने का एक नंबर के बाजू में कितने डिजिट्स है बोलने का बताता है। फॉर एग्जाम्पल 3e+6 है बोले तो 3 के बाजू में और एक 6 अंक रहते हैं बोल के इसका मतलब है।
और सिंपली समझ आना है बोले तो, एक के बाद जो है सो 10 जीरोस को दोबारा एक के बाद में फिर से 10 शून्य लगाए तो, तब आने वाले आंसर में एक के बाद में 20 शून्य रहते हैं। उतना नंबर यहाँ पे बस नहीं होने के कारण उसको शॉर्टकट में 1E20 नहीं तो 1E+20 बोल के बताता है, माने 1×10^20 बोलने का इसका मतलब है। अगर वही छोटे नंबर्स को बताते समय में 1E-20 बोल के बताता है। एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स क्यों इतने कॉस्टली रहते हैं? अगर दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से हम कंपेयर करें तो एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली रहते हैं। असल में क्यों इतने कॉस्टली होते हैं? इतना कॉस्टली रहने के बावजूद भी लोग क्यों इसे खरीदने में ज्यादा उत्साहित रहते हैं, बोलने का अभी हम देखेंगे। एप्पल कंपनी डिजाइन के मामले में या क्वालिटी के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्राइवेसी, ऐसे हर विषय में वो बहुत पक्का रहता है। इसलिए दूसरों से कंपेयर किए तो एप्पल बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। एप्पल प्रोडक्ट इतना कॉस्टली रहने का कारण है उस ब्रांड को है सो वैल्यू। इसके लोगों को एक स्टेटस का सिंबल बोल के मानते हैं, इसीलिए इस प्रोडक्ट को प्रीमियम दे के भी खरीदते हैं। इसको एप्पल टैक्स बोल के बोलते हैं, माने वो सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट रहने के कारण ही हम ज्यादा पैसे लगा खरीद रहे, इसका मतलब वो है। थोड़े लोगों के बोलने के मुताबिक ये है कि एक बार अगर हम एप्पल प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किए तो फिर दूसरे प्रोडक्ट के तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता कहते, हम पूरी तरह से एडिक्ट हो जाते कहते इसके चीज में। ऐसे के कोई कस्टमर्स कितने भी कॉस्टली है तो भी उसे पक्का खरीदते हैं कहते, और ये बात कंपनी को भी मालूम है। इसलिए उतना ज्यादा कॉस्ट लगाने के बावजूद भी फोन रिलीज होते समय में पहले दिन में क्यू में ठहर के भी खरीद रहे लोग। तो यहाँ पे बात यह है कि एप्पल प्रोडक्ट तैयार करने वाली खर्चा और बेचने वाली प्रेस को अगर आप कंपेयर किए तो जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 10 को होने वाला खर्चा $370 है तो उसको बेचने का प्राइस है $999, माने मैन्युफैक्चर से भी 60% ज्यादा प्राइस लगा के बेच रहे हैं। प्रॉफिट्स में उतना मार्जिन रहने के कारण ही एप्पल कंपनी को ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट्स आते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, दुनिया में ही सबसे पहले $1 trillion कंपनी के नाम पे एप्पल ही है। एप्पल का मार्केट कैपिटल लिए तो कई देशों के GDP से भी ज्यादा रहता है। साल 2019 में एप्पल कंपनी रिलीज किए सो रिपोर्ट्स के प्रकार उस कंपनी के पास $245 billion का कैश रिजर्व में है कहते। इसके अंदर से एप्पल कंपनी ज्यादा मात्रा में पैसा R&D के ऊपर खर्च करता है। हर साल एप्पल कंपनी की तरफ से लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है ताकि वो नए कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं बोलकर। लोगों का एक्सपेक्टेशन रीच करने के लिए वो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में पैसों को खर्च करता है। सिर्फ साल 2019 में ही लगभग $16 billion को खर्च किया है, माने हमारे इंडियन करेंसी में 1,15,000 करोड़ सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ही खर्च किया है कंपनी ने। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रेंज में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है ये कंपनी। एप्पल प्रोडक्ट्स इतना कॉस्टली रहने के लिए एक और वजह भी है। एप्पल कंपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने वाली कंपनी है, उनके शेयर होल्डर्स को हर वक्त प्रॉफिट आए जैसा करना है। तो बात यह है कि रिसेंटली रिलीज हुए मॉडल्स में बहुत ज्यादा मात्रा में इनोवेशन नहीं रहने के कारण ग्लोबल मार्केट में दूसरे ब्रांड से बहुत टफ कॉम्पिटिशन रहने के कारण एप्पल का सेलिंग 11% डाउन हो गए कहते। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ाना है तो सिर्फ एक ही एक मार्ग है, वो है प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ाना। सो किसी भी तरह खरीदने वाले फैंस है ना, तो अगर प्रोडक्ट्स कम भी बिके तो ज्यादा प्राइस लगाने के कारण वो कवर अप कर देता है। तो यहाँ पे बात यह है कि स्टीव जॉब्स मरने के बाद एप्पल कंपनी में इनोवेटिव बहुत कम हो गया है बोल के बताते हैं। तो फ्यूचर में अगर कंपनी अच्छी तरह से चलना है तो सिर्फ प्राइस को ही नहीं इनोवेशन को भी बढ़ाना होगा, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स है, कोई भी इससे आगे निकल जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। तो अगले वीडियो के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।